हाय स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी और वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो के अंदर आपने बीम स्ट्रेंथ और वियर स्ट्रेंथ ये दोनों चीजें देखी थी। अब इस वीडियो के अंदर हम इफेक्टिव लोड फाइंड करना, उसको किस किस अलग मेथड से इफेक्टिव लोड या उसको बोलते हैं डायनेमिक लोड कैसे फाइंड करते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पिछले वीडियो में हमने बीम स्ट्रेंथ है वो डिराइव किया था। तो बीम स्ट्रेंथ का क्या इक्वेशन था? तो बीम स्ट्रेंथ हम इस तरीके से लेके आए थे। सो वी कैन राइट लाइक दिस बीम स्ट्रेंथ। सो आई विल राइट एफ बी और यू कैन राइट वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। आई राइट एफ बी, समवन राइट एफ एस। ठीक है, इस तरीके से आपको रखना है। तो मैं इसको एफ एस लग देता हूँ। चलो, सो आई एम राइटिंग एफ एस इफेक्ट स्ट्रेंथ। क्या इक्वेशन था हमारा? एम डॉट बी, फिर क्या था वाई सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस। इस तरीके से हमारा बीम स्ट्रेंथ हुआ करता था। उसी तरीके से हमने वियर स्ट्रेंथ उसका क्या इक्वेशन निकाला था? तो वियर स्ट्रेंथ का जो हमारा इक्वेशन था एफ डब्ल्यू वो क्या था? तो चलो देखते हैं पिछले में हमने वियर स्ट्रेंथ का क्या इक्वेशन निकाला था। तो जो वियर स्ट्रेंथ का हमने इक्वेशन निकाला था वो हमारा था डीपी इंटू बी इंटू क्यू इंटू के। सो वो था हमारा डीपी इंटू बी इंटू क्यू इंटू के। ये आप जानते हो क्या है, ठीक है। सो ये जो बीम स्ट्रेंथ आप देख रहे हो उसके अंदर जो एम है वो मॉड्यूल है, बी फेस विड्थ है, वाई लुईस फॉर्म फैक्टर है, सिग्मा भी बेंडिंग स्ट्रेस। उसी तरह वियर स्ट्रेंथ में आप एफ डब्ल्यू में डीपी डायमीटर ओपिनियन, बी फेस विड्थ, क्यू रेशियो फैक्टर और के लोड स्ट्रेस फैक्टर। ये सारी चीजें हमने बात करी है। अब एक टर्म आता है वो होता है इफेक्टिव, इफेक्टिव लोड और यू कैन से डायनेमिक लोड। अब इसको इफेक्टिव लोड डायनेमिक लोड क्यों बोलते हैं? देखो, हमने जो भी बीम स्ट्रेंथ और वियर स्ट्रेंथ में एनालिसिस करा वो हमने स्टैटिक एनालिसिस करा, ठीक है। अब जो हमारा गियर होता है वो रियल होता है डायनेमिक सिचुएशंस के अंदर, क्योंकि वो मोशन के अंदर होता है। तो जो तुम्हारा लोड लगता है टेंजेंशियल लोड वो स्टैटिक नहीं होता, वो डायनेमिक होता है, जिसको हम इफेक्टिव लोड भी बोलते हैं। तो ये जो इफेक्टिव लोड है इसको हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, एक है वेलोसिटी फैक्टर मेथड और एक है बकिंगम मेथड। क्यों? अब तुम बोलोगे सर इफेक्टिव लोड क्यों फाइंड करना है? इफेक्टिव लोड समझ में आ गया ऐसे कि सर गियर और पिनियन होगा, उन दोनों के मोशन हो रही होगी, तो एक्चुअली जो हमारा टेंजेंशियल फोर्स लगेगा वो स्टैटिक नहीं होगा, वो डायनेमिक होगा, जिसको हम रियल या एक्चुअल लोड जो लग रहा है उसको हम बोलेंगे। तो एक्चुअल लोड को हम बोलेंगे इफेक्टिव लोड, ठीक है, या फिर इसको डायनेमिक लोड। अब ये जो इफेक्टिव लोड है ये हमें क्यों फाइंड करना है? क्योंकि अगर आपका गियर का डिजाइन सेफ है या नहीं हमें कैसे पता चलेगा जब एग्जांपल करेंगे? तो एवरी टाइम जब हम एग्जांपल करेंगे वी विल सी दी कि हमारा जो इफेक्टिव फोर्स है, जो हमारा इफेक्टिव लोड है वो लेस देन बीम स्ट्रेंथ होना चाहिए एफ एस, या इसको एफ बी बोल दू, और जो हमारा इफेक्टिव लोड है वो लेस देन वियर स्ट्रेंथ होना चाहिए। जब ये दोनों होगा फुलफिल तभी हमारा गियर डिजाइन है वो सेफ है, अदरवाइज वो फेलियर है, क्योंकि हमें पता है कि हम बीम स्ट्रेंथ से ज्यादा नहीं जा सकते, वो हमारा मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। तो हमारा इफेक्टिव लोड बीम स्ट्रेंथ से कम होना चाहिए, और हमें पता है वियर स्ट्रेंथ है वो भी हमारा मैक्सिमम है, उससे ज्यादा जाएंगे तो फिर फिटिंग फेलियर होगा। तो हमारा इफेक्टिव लोड है वो वियर स्ट्रेंथ से भी कम होगा। तो जब इफेक्टिव लोड है ये दोनों कंडीशन, कंडीशन नंबर वन एंड कंडीशन नंबर टू फुलफिल करेगा तब हम बोलेंगे गियर डिजाइन है वो सेफ है। तो गियर डिजाइन सेफ है उसके लिए हमें इफेक्टिव लोड एक्चुअल लोड फाइंड करना होगा। बीम स्ट्रेंथ और वियर स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करना है पिछले वीडियो में देख लिया, पर ये इफेक्टिव लोड, ये डायनेमिक लोड कैसे फाइंड करना है वो हमें देखना है इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम डायनेमिक लोड को हम फाइंड कर सकते हैं। दूसरी चीज, अब तुम बोलोगे सर टेंजेंशियल फोर्स हम कैसे लाएंगे? देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास इक्वेशन क्या है, पावर इक्वल टू 2 पाई एनटी अपॉन 60। तो ये क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू 60 पी अपॉन 2 पाई एन। अब कहीं पे आप देखोगे तो इस तरीके से 10^6 लिखा होगा टॉर्क, आपको ये आपको मिलेगा न्यूटन इनटू एमएम। तब तुम बोलोगे सर ये 10^6 क्यों आया? पहले 10^6 इसलिए कि पावर है वो किलोवाट में होगा, तो वोट में कन्वर्ट करोगे तो इनटू 10^3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरा, अब वोट है वो क्या होता है, न्यूटन इनटू मीटर पर सेकंड, पर हमें यहां पे वैल्यू चाहिए एमएम, तो मीटर को एमएम करोगे तो ऑलरेडी 10^3 आपको और मल्टीप्लाई करना, ये हो जाएगा 10^6। तो यहां पे इस तरीके से आपको टॉर्क मिल जाएगा। तो यहां पे जो भी किलोवाट देके रखा है वो पावर की वैल्यू डाल दो यहां पे तो टॉर्क मिल जाएगा। अब टॉर्क मिल गया तो टेंजेंशियल फोर्स मिल सकता है, क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, टेंजेंशियल फोर्स इनटू डायमीटर बाय 2। अगर गियर है तो गियर और पिनियन है तो पिनियन, लेट्स से पिनियन पे लग रहा है तो डीपी बाय 2 गियर होता है, डीजी बाय 2। तो यहां से
इस तरीके से हम टेनजेंशियल फोर्स है वो यहां से डिराइव कर सकते हो। तो आप पीटी को सब्जेक्ट बनाइए तो पीटी हमारा क्या हो जाएगा, पीटी हो जाएगा 2t अपॉन डी। ठीक है, तो इस तरीके से हम टेनजेंशियल फोर्स है वो डिराइव कर सकते हैं। अब टेनजेंशियल फोर्स मिल गया, उसकी मदद से हम इफेक्टिव लोड है वो फाइंड कर सकते हैं। तो इफेक्टिव लोड का जो भी इक्वेशन होगा उसमें टेनजेंशियल फोर्स आएगा। तो टेनजेंशियल फोर्स कैसे फाइंड करना है वो हमको यहां से मिलेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं दो मेथड जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इफेक्टिव लोड इसलिए फाइंड करना है कि हमें हर एग्जाम्पल के अंदर इफेक्टिव लोड फाइंड करना होगा, और हर एग्जाम्पल के अंदर हम देखेंगे कि हमारा इफेक्टिव लोड है वो लेस देन बीम स्ट्रेंथ और लेस देन वियर स्ट्रेंथ होना चाहिए, तभी जाके हमारा जो गियर का डिजाइन है वो सेफ है। तो अब यहां पे इफेक्टिव लोड आया, तो अब तुम्हारे दिमाग में चलना स्टार्ट हो जाएगा, सर इफेक्टिव लोड तो समझ में आ गया पर उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो उसकी दो मेथड, एक है वेलोसिटी फैक्टर मेथड और एक है बकिंगम मेथड। तो उस दोनों मेथड को अब इफेक्टिव लोड फाइंड करने के लिए ढूंढते हो। इसको शांति से देखना, इसको अच्छे तरीके से देख लेना, ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल में फायदा होगा। चलो तो देखते हैं। लोड की वजह से जो स्ट्रेस भी लगेगा वो भी वैल्यू ज्यादा होगी कंपेयर टू स्टैटिक। तो हमें एक्चुअल जो टेनजेंशियल लोड फाइंड करना है तो वो उसको हम बोलते हैं डायनेमिक लोड, जो एक्चुअल होता है ड्यू टू डायनेमिक, जो मोशन करे उसके जो पीटी होगा वो स्टेटिक नहीं होगा, वो हो जाएगा तुम्हारा डायनेमिक। तो एक्चुअल डायनेमिक लोड हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं उसको हम इफेक्टिव लोड भी बोल सकते हैं। इसकी दो मेथड है, पर इसके अंदर हम फाइंड करें यूज करेंगे वेलोसिटी फैक्टर मेथड। यानी वेलोसिटी फैक्टर मेथड का आप यूज करके डायनेमिक लोड या यू कैन से इफेक्टिव लोड फाइंड कर सकते हो। किस तरीके से, तो योर इफेक्टिव लोड इज इक्वल टू सीएस इनटू पीटी अपॉन सीवी। आप बोलोगे सर सीएस क्या है, तो सीएस को बोलते हैं, ये जो तुम्हारा सीएस है उसको बोलते हैं सर्विस फैक्टर। ठीक है, तो ये सर्विस फैक्टर क्या होता है, सर्विस फैक्टर का फार्मूला होता है वर्किंग टॉर्क अपॉन रेटेड टॉर्क। ठीक है, इसमें मैं डीप में नहीं जाना चाहता, आपको न्यूमेरिकल में इस तरीके से दिया होगा कि वर्किंग टॉर्क इज 1.5 टाइम्स द रेटेड टॉर्क। तो आपका सर्विस फैक्टर क्या होगा, तो वर्किंग टॉर्क की जगह पे लिख दो 1.5 मल्टीप्लाई बाय रेटेड टॉर्क, तो रेटेड टॉर्क कैंसिल हो जाएगा, सीएस क्या हो जाएगा 1.5। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल के अंदर सर्विस फैक्टर आपको दिया गया होगा। अब ये सीएस हो गया, अब ये क्या है सीवी यानी वेलोसिटी फैक्टर। तो देखो वेलोसिटी फैक्टर है वो आपको डिजाइन डेटा बुक्स में इस तरीके से, अगर आपके गियर का वेलोसिटी लेस देन 10, आप बोलोगे सर गियर का वेलोसिटी हम कैसे ढूंढेंगे, तो गियर का वेलोसिटी ढूंढने के लिए हमारे पास इक्वेशन होता है जिसको बोलते हैं वेलोसिटी इक्वल टू पाई डी एन अपॉन 60। अब आप बोलोगे सर यहां पे आपने मल्टीप्लाई बाय 10^3 क्यों किया है, देखो ये डायमीटर जो आपका होगा ना वो mm में होगा, तो हमें वेलोसिटी यहां पे जो भी दी है वो मीटर पर सेकंड में, तो mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहां पे 10^3 नीचे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो पाई डी एन अपॉन 60 यूज करते हो। अब मान लो कि आपको वेलोसिटी मिली 5, तो वो क्या है लेस देन 10 मीटर पर सेकंड हुआ, तो उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा 3/3 + v। तो हम क्या करेंगे, v यानी आपने जो ढूंढा है, आपने वेलोसिटी ढूंढी वो 5 है, 3/3 + 5 यानी 3/8 आपका cv हो जाएगा। तो अगर आपका वेलोसिटी लेस देन 10 मीटर पर सेकंड है आपको ये इक्वेशन यूज करना है, 10 और 20 के बीच में, तो आपको 6/6 + v यूज करना है, और 20 से ज्यादा तो 5.6 + √v। तो मान लो कि यहां से आपको सीवी मिल जाएगा, सीएस आपको दे के रखा होगा, तो न्यूमेरिकल में आपको सीएस और सीवी इस तरीके से मिल जाएगा, और आपको टेनजेंशियल लोड तो आपके पास होगा। कैसे फाइंड किया होगा आपने टेनजेंशियल लोड, तो यू कैन फाइंड आउट टेनजेंशियल लोड, आप फाइंड कर लोगे वहां पे आपको मिला होगा। तो आपको क्या करना है, टेनजेंशियल लोड से मल्टीप्लाई करना है सीएस, और सीवी से क्या करना है डी एड। तो ये जो आपको मिलेगा वो रियल एक्चुअल इफेक्टिव लोड होगा जिसको हम डायनेमिक लोड बनेंगे, यानी दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव लोड। ठीक है, सो इस तरीके से हम इफेक्टिव लोड जो एक्चुअल लोड है उसको हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। तो अगर गियर का फेल्योर ना हो तो हमारी कंडीशन कैसी होनी चाहिए, यानी जो बीम स्ट्रेंथ है, जो बीम स्ट्रेंथ है मान लो कि पीबी, इसको मैं बोलूंगा बीम स्ट्रेंथ, तो इसकी वैल्यू इफेक्टिव लोड से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपका गियर टूथ का फेल्योर नहीं होगा। तो यहां पे जो भी आपको इफेक्टिव लोड मिल रहा है मान लो कि 30 N और बीम स्ट्रेंथ है 15 N, दैट मींस योर गियर इज सेफ। पर मान लो कि जो इफेक्टिव मिल रहा है वो बीम स्ट्रेंथ से ज्यादा, यानी बीम स्ट्रेंथ 50 और इफेक्टिव मिल रहा है 60, तो योर गियर डिजाइन इज नॉट सेफ, यानी गियर टूथ का फेल्योर हो जाएगा। तो आपको ये डिजाइन अगेन करनी इस तरीके से कि सच दैट योर पीबी इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी इफेक्टिव हो। तो ये सारा हम एक्चुअल डायनेमिक लोड कैसे फाइंड करते हैं, तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी फैक्टर मेथड। ऐसे मैं इसको बताना नहीं चाहता था, पर मैंने आपको इसलिए बताया कि हम जब इसको न्यूमेरिकल गिनेंगे जब भी इसके, तो हमको बोलेगा कि वेलोसिटी फैक्टर मेथड का यूज करके आप गियर की डिजाइन करो, तो हमें इस तरीके से ये सारे फॉर्मूले यूज कर रहे होंगे। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, पर न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको सभी चीज समझ में आ जाएगी। तो अभी आपको कोई टेंशन लेने की नहीं जरूरत नहीं है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको बीम स्ट्रेंथ ही समझना था। ठीक है, अभी-कभी आपको बोलेगा न्यूमेरिकल के अंदर कि आप बकिंगम मेथड का यूज करके डायनेमिक लोड फाइंड करो, तो बकिंगम मेथड का यूज करके हम डायनेमिक लोड, तो डायनेमिक लोड क्या है मैंने आपको बता दिया, जिसको हम इफेक्टिव लोड भी बोलते हैं। तो वो क्या होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब हमने
ये स्ट्रेंथ और ये सारी चीजें डिराइव करते हैं तो हम क्या स्टैटिक कंडीशन लेते हैं, पर एक्चुअली हमारी जो कंडीशन होती है वो डायनेमिक कंडीशन होती है, क्योंकि गियर और पिनियन दोनों मोशन में रहते हैं, ठीक है। तो हमारा जो कंडीशन रहेगा वो डायनेमिक कंडीशन रहेगा, तो हमें उसके हिसाब से इफेक्टिव लोड यानी एक्चुअल लोड फाइंड करना है। तो इसका इक्वेशन होगा अकॉर्डिंग टू बकिंगम, दैट इज सी एस इंटू पी टी प्लस पी डी। अब आप बोलोगे सी एस ये तो मैंने आपको बता दिया सर्विस फैक्टर, पी टी टेनेजेंशियल लोड या टेनेजेंशियल फोर्स, और पी डी होगा डायनेमिक लोड। अब ये तो हमारे पास होगा, पी टी भी होगा, सर्विस फैक्टर भी होगा, अब पी डी को कैसे फाइंड करेंगे डायनेमिक लोड को, तो उसका इक्वेशन होता है, उसका इक्वेशन है 21 इनटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होगा, उसको बोलते हैं पिच वेलोसिटी, मैंने आपको बोला था पिच लाइन वेलोसिटी। उसका इक्वेशन क्या होता है, पाई डी एन अपॉन 60 इनटू ब्रैकेट सी इनटू ई इनटू बी, ये तीनों चीजों का मल्टीप्लिकेशन, प्लस पी टी अपॉन 21 वी प्लस अंडर रूट ऑफ सी डॉट ई डॉट बी प्लस पी टी। अब बोलोगे सर सर सी ई और बी क्या है, तो बी तो आपको पता है फेस विड्थ बोलते हैं, अब सी और ई क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो सी को बोला जाता है डिफॉर्मेशन फैक्टर, क्या बोला जाता है डिफॉर्मेशन फैक्टर। तो देखो आपको इस तरीके से डिजाइन डेटा बुक में डिफॉर्मेशन फैक्टर आपको दे के रखा होगा, जिस तरीके से मटेरियल है उस हिसाब से आपको डिफॉर्मेशन फैक्टर दे के रखा हुआ है। जैसे कि मैं गियर मटेरियल के लिए जाऊं, अगर ग्रे सीआई है तो 20 डिग्री फुल डेप्थ है, तो वहां पर डिफॉर्मेशन फैक्टर होगा 5700, और ये जो वैल्यू होती है वो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में होती है। तो इस तरीके से आप डिफॉर्मेशन फैक्टर फाइंड कर सकते हो डिजाइन डेटा के अंदर से, या फिर आप कभी कभी मैन्युअली भी इस तरीके से इक्वेशन से फाइंड कर सकते हो। तो इसका डिफॉर्मेशन फैक्टर अगर मैन्युअली ढूंढना है तो उसका इक्वेशन है सी इक्वल टू के अपॉन 1 अपॉन ईपी प्लस 1 अपॉन ईजी। अब आपको पता है ये क्या है, ईपी अपॉन ईजी, ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ पिनियन, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ गियर, ये तो आपको बता चुका हूं कैसे डिजाइन डेटा बुक से यूज कर सकते हो। अब के क्या है, तो के की वैल्यू फिक्स होती है, अगर 14.5 डिग्री फुल डेप्थ है तो के की वैल्यू 0.107, 20 डिग्री फुल डेप्थ है तो 0.111, और 20 डिग्री स्टब है तो 0.15। तो इस तरीके से भी आप सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर हमें टेबल में से ही सी मिल जाएगा डायरेक्ट, तो इस तरीके से करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहां पे हमें यह भी समझ में आ गया सी का मतलब पता चल गया डिफॉर्मेशन फैक्टर, बी तो हमें पता है फेस विड्थ है, तो अब हमारे पास क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ बी क्या है वो हमें जानना है। तो बी को अब देखो, हाँ बी हो गया फेस विड्थ, अब ई को जानना रह गया, तो ई क्या है, तो इसको बोलते हैं, ई को बोलते हैं सम ऑफ एरर बिटवीन टू मेसिंग टीथ, यानी इसको एरर बोलते हैं। तो एरर कैसे फाइंड करते हैं, तो देखो आपको बोला जाएगा न्यूमेरिकल के लिए कि 8 ग्रेड के लिए, 8 ग्रेड का मटेरियल है उसके लिए एरर की आप फाइंड कीजिए। तो 8 ग्रेड, तो ग्रेड के हिसाब से एरर का इक्वेशन देके रखा, देखो अगर ग्रेड 1 है तो एरर होता है 0.80 प्लस 0.065। अब 5 क्या होता है वो मैं सारी चीजें बताता हूं, अगर 6 ग्रेड का है तो आपको एरर का इक्वेशन उठा के लेना है यहां पे 8.00 प्लस 0.635, तो इसको सॉल्व कर दोगे तो आपको एरर मिल जाएगा, पर 5 हमें ढूंढना पड़ेगा ना। तो 5 का इक्वेशन होता है 5 इक्वल टू m प्लस 0.25 अंडर रूट ऑफ d, d आपको पता है पिच सर्कल डायमीटर, m होता है मॉड्यूल। अब मान लो कि मैं क्या करूंगा, टोटल एरर क्या होगा, तो कि एरर ऑफ गियर प्लस एरर ऑफ पिनियन, तो पहले मैं एरर ऑफ गियर फाइंड करूंगा। तो कैसे फाइंड करूंगा, तो देखो सबसे पहले 8 ग्रेड का है तो एरर का इक्वेशन मान लो कि है 16 प्लस 1.25, तो अगर मैं 5 ढूंढ लूं तो मैं 5 पहले किसके लिए लूं, मान लो कि गियर के लिए लगाता हूं, तो 5 की वैल्यू गियर का मॉड्यूल डालो प्लस 0.25 और गियर का डायमीटर डालो, 5 मिल गया। तो अब हमारे पास एरर क्या है, तो 8 ग्रेड के लिए है 16 प्लस 1.25, तो 5 की वैल्यू मिली उसमें डाल दो तो एरर ऑफ गियर मिल जाएगा। इसी तरीके से एरर ऑफ पिनियन मैं फाइंड करूंगा, तो एरर ऑफ पिनियन फाइंड करना, तो उसके लिए 5 क्या होगा, तो के पिनियन का मॉड्यूल फिर प्लस 0.25 और पिनियन का डायमीटर, तो यहां से 5 मिल जाएगा, और हमारा 8 ग्रेड का, तो पिनियन का एरर क्या हो जाएगा 16 प्लस 1.25 5। तो इस तरीके से हम गियर का एरर और पिनियन का एरर दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें टोटल एरर ई मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करना होता है, तो इस तरीके से हमें यहां पे ई भी मिल जाएगा, तो इस इक्वेशन को सोल्व करके हमें पीडी मिल जाएगा, और ये इसको यहां पे डालेंगे तो सी एस इंटू पी टी प्लस पी डी, ये हमारा इफेक्टिव लोड या एक्चुअल डायनेमिक लोड ये हो जाएगा हमारा। तो अभी आपको टेंशन नहीं लेना, ये सारा न्यूमेरिकल में यूज करने वाला हूं, अभी समझ में नहीं आ रहा है तो भी दिक्कत नहीं, पर मैं जानबूझ के लिया है ताकि जब एग्जांपल करो तो आपको ऐसा लगे सर ये कहां से आ गया अचानक, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझाना था, तो अब डायरेक्ट हम न्यूमेरिकल में मिलेंगे, तो न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से करवाऊंगा, सारे फॉर्मूला लिस्ट लगाऊंगा, तो अभी आपको शायद कुछ समझ में नहीं आया तो आपको न्यूमेरिकल में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं, इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इसको डोनेट करो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल हो रहा है। हैव अ नाइस डे, बाय।